इसके लिए आज हम देखेंगे कि जो आप ऑनलाइन वर्किंग है, जो जस्ट आप कॉपी पेस्ट वर्किंग है ऑनलाइन, वो आप कैसे कर सकते हैं और उससे आप कितने कमा सकते हैं। तो आज मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह आप ऑनलाइन जो अर्निंग है वो कैसे कर सकते हैं। और सबसे पहले मज़े की बात यह है, आपने जस्ट कॉपी और पेस्ट करना है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के ज़रिए आप एक घंटे में या आधे घंटे में, आप जितने एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में, तो आप तकरीबन 900-1000 रुपये कमा सकते हैं। आप डेली की 5-7 घंटे भी अगर वर्किंग करते हैं, तो अगर आप 5 घंटे भी वर्किंग करते हैं तो आप 1000 रुपये के हिसाब से लगा लें तो आप तकरीबन 5000 रुपये अर्न कर सकते हैं डेली। ऑनलाइन वर्किंग बहुत ही आसान है, ये मेरे बहुत सारे दोस्त खुद भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो ये है कि आप जितनी स्किल्स ले सकते हैं वो ले लें, और इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आपने कैसे ऑनलाइन वर्किंग करनी है, आप ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो सबसे पहले कि आज हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करना, मैं आपको सिखाऊंगा कि कन्वर्ट आर्टिकल टू वीडियो, कि आप जो ब्लॉग स्पॉट का है, वर्डप्रेस का है, या किसी भी वेबसाइट का जो ब्लॉग है या उस कोई भी कंटेंट है, उसे आप किसी वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपने जिस तरह के एड्स चलाने होते हैं फेसबुक पे, बाकी चीज़ों पे, तो उसी हिसाब से आप उसकी आप वीडियो भी बनवाते हैं। तो जैसा वो कंटेंट होता है उसी हिसाब से वो अपनी वीडियो डिज़ाइन करवा लेते हैं। तो आज हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करना सीखेंगे, कन्वर्ट आर्टिकल टू वीडियो। तो ये जस्ट कॉपी पेस्ट वर्किंग है। मैं आपको कुछ इसके वो लाइव डेमो भी दिखा सकता हूँ कि किस तरह से ये वर्किंग हो रही है। तो ये देखें इसके कितना है, एक ऑर्डर क्यू में पड़ा हुआ है, बाकी पता नहीं कितने ऑर्डर्स पे काम कर रहा है। इसका जो लेवल है वो 1 हो चुका है। और ये वीडियो किस टाइप की है ये देखें, ये वीडियो ये है, ये देखें मैंने ये ऑन कर दी है। तो ये देखें कि हेलो वेलकम टू माय गिग, आई विल कन्वर्ट योर टेक्स्ट स्क्रिप्ट और आर्टिकल्स इनटू वीडियोस। तो ये किस तरह करनी है, यू कैन यूज, बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने करनी है। ये सेकंड है, ये सेकंड आपको देख लो, इसके 3 ऑर्डर्स क्यू में पड़े हुए हैं, इसके 3 ऑर्डर्स क्यू में पड़े हुए हैं। और इसकी ये देखें आपने किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कितने में कर रहे हैं, 875 रुपये में कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमम भी हाफ आवर का काम है, हाफ आवर से 1 घंटे का काम है कि वीडियो आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर तो आप बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैक्सिमम जल्दी से जल्दी इस चीज़ को गेन कर सकते हैं। आप आते चले जाएंगे और आप इंशाल्लाह इससे सीखते चले जाएंगे कि किस तरह आपने ये सीखना है। तो ये भी मैं आपको वीडियो ऑन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये वीडियो उन्होंने बनाई हुई है। तो जो कस्टमर है उसने इन्हें ये कंटेंट दिया है और इन्होंने इसे वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है, ये देखें। और ये कितने में कर रहे हैं, 875 रुपये में। ये मैक्सिमम भी मैं आपको 10 मिनट में या 15 मिनट में सिखा दूंगा। और अगर आप इनिशियल पॉइंट्स पे हैं, बिगिनर लेवल पे हैं, आर यू लुकिंग फॉर अ वीडियो दैट गोस वायरल, डू यू वांट टू बूस्ट योर बिजनेस एंड सेल्स बाय जनरेटिंग कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो आपने देख लिया कि किस तरह ये हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, फाइवर पे जाना है, वहाँ पे अपनी गिग क्रिएट करनी है और ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कन्वर्ट आर्टिकल टू वीडियो, ब्लॉग स्पॉट और जो भी है आपने किसी भी जो ब्लॉग स्पॉट की भी जो कंटेंट है उसे वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, मैं अपना दूसरा ब्राउज़र ऑन कर लेता हूँ, ओपन कर लिया मैंने। आपने क्या करना है कि VIDNAMI, इसका जो इस वेबसाइट का लिंक है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने क्या करना है, इसमें जाके अपने लॉगिन करना है और वहाँ पे ये आपका सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा इस तरह का। तो आपने क्या करना है कि ये डैशबोर्ड आ जाएगा तो उससे क्या होगा कि आप किसी भी वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ही आसान मेथड है इसका। तो ये पहले फ्री होती थी लेकिन अभी पेड हो गई है, लेकिन फिर भी ये 15 दिन का आपको ट्रायल वर्जन लाजमी देती है फ्री में। तो आप पहले ट्रायल वर्जन यूज़ कर लीजिएगा और आपको अगर अर्निंग हो तो आप उसका पेड वर्जन बाय कर लीजिएगा। पेड वर्जन भी ज़्यादा महंगा नहीं है, मैक्सिमम 1000 या 1200 का है या 500-700 का है। अगर आपको जिस टाइप का चाहिए होगा मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर लें तो मैं आपको बाय कर दूँगा। अगर आप डायरेक्ट अपने बाय डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए बाय करना चाहते हैं तो आप खुद भी बाय कर सकते हैं। ये आपको का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जाके यहाँ पे क्रिएट अ न्यू पोस्ट वीडियो पे क्लिक कर देना है। तो ये ओपन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जैसे ही ओपन होगी हमें सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे कि आपने किस टाइप की वीडियो बनाना चाह रहे हैं। तो ये देखें अभी ना ओपन हो गया, ये टेम्पलेट्स ओपन हो गए। हमने किस तरह का टेम्पलेट लेना है, जैसे क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो इसके बाद वो कहता है कि पूछता है कि आपने किस टाइप की वीडियो बनानी है आपने।
तो सबसे पहले ये देखें कि हमने इंस्टेंट एड्स बनाने हैं, सेल्स वीडियो बनानी है। अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट का आपको कंटेंट दिया जाता है तो ई कॉमर्स की वेबसाइट के ज़रिए आपने ये सेल्स वीडियो बना लेनी है। बाकी चीज़ें आपको टेम्पलेट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तकरीबन मिनिमम भी 70-80,000 टेम्पलेट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं जो आप जिस पे आप वर्किंग कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम ये यहाँ पे ये वीडियो जो सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट, तो उस पे वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये देखें ये चलने फर्स्ट वाले ही टेम्पलेट्स हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं कि टेम्पलेट को कैसे कस्टम करना है। अगर आप वैसे यूज़ करना चाहते हैं तो अब यहाँ से अगर कस्टमाइजेशन करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको कस्टमाइजेशन कर लें, इसके कलर्स वगैरह चेंज कर लें। चलिए मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। कस्टम कलर करेंगे तो ये देखें तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे देखें, यहाँ पर ये कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्लैक हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, ये चीज़ हो गई, ठीक है। आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बाकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह की आपने डेट्स में एडजस्टमेंट्स करनी है उस तरह की आप एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। आपने कौन कौन से कलर कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, तो मेरा एक तो एक यही मशवरा है कि जिस तरह का आपका कंपनी का लोगो होगा, जिस तरह की नीचे होगी, आप उसी तरह के कलर कम्बिनेशन यूज़ कीजिएगा जैसे लोगों में डिज़ाइन किए गए होंगे। तो उसका मैक्सिमम फ़ायदा ये होता है कि वो आपके जो एज अ लोगो स्टाइल होता है उसी तरह की आपकी वीडियो भी कन्वर्ट हो जाती है। उसका क्या करते हैं, हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया और यहाँ से यूज़ दिस टेम्पलेट कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे लोडिंग होना स्टार्ट हो गई और हम स्क्रिप्ट्स में पहुँच गए। हमने क्या स्क्रिप्ट्स कहाँ से लेने हैं देखें, मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की, पीके ड्रामा ऑफिशियल, ये मेरी अपनी वेबसाइट है। तो हम इससे अपना वो कॉन्टेंट जो उठा लेते हैं कि हमने कौन सी वीडियो कन्वर्ट करनी है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, वो यहाँ से एक कंटेंट उठा लेता हूँ। तो मैंने ये अपना फर्स्ट ब्लॉग खोल लिया, ओपन कर लिया। तो मैं यहाँ से ये देखें, यहाँ से बस इतना सा कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अब जितना होगा उतने हिसाब से उतने मिनट्स की वीडियो बनेगी। तो यहाँ से पे मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूँ, तो आपने यहाँ से वो जो आपको नीच मिली होगी, जो ब्लॉग मिला होगा, जो कंटेंट मिला होगा आपको, वहाँ से आपने ये ऐसे कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है और यहाँ पे कोई भी नेम रख लेना है अपने हिसाब से कि किस क्लाइंट का मैं तो जिस क्लाइंट का काम कर रहा हूँ उसी हिसाब से यहाँ पे नेम रख लेता हूँ आपकी अपनी वीडियो का। कि जैसे मैं शाहजेब का कर रहा हूँ तो वो मैंने ये शाहजेब के नेम से कोई फाइल रख ली। उसके बाद हमने क्या कर देना है, क्रिएट सीन कर देना है, ठीक है। जैसे ही क्रिएट सीन कर देना है तो यहाँ पे वो देखें यहाँ पे क्रिएट सीन होना स्टार्ट हो गया, 95% हो गया। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये चीज़ें आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये एक वीडियो कन्वर्ट हो गई है। इसमें क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ चेंजेस कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि किस टाइप की हमने कहाँ पे क्या क्या करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसे जो ये कंटेंट है इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से ये देखते ऊपर चले गए, लेकिन मैक्सिमम नीचे रखते हैं। आप लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, कॉर्नर में भी लेके जा सकते हैं। उसके नीचे हम यहाँ पे आ गए। हम क्या करते हैं, इस कंटेंट को जो ये कंटेंट है ये वाला, इससे हम बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर लेते हैं। आप टेलिंग में करना चाहते हैं टेलिंग में कर सकते हैं। अगर कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये लोगो नेम टेक्स्ट वगैरह रख लेने हैं यहाँ पे जाके अपने। और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे अपने जो वॉइस है वो यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है कि आपको वॉइस किस टाइप की चाहिए, ठीक है। अगर आपने ऑटो वॉइस करनी है कि जिस तरह में ये जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ब खुद ही आपका वो वॉइस ट्रैकल करेगा कि आपने क्या क्या लिखा हुआ है, किस किस टाइप का लिखा हुआ है, तो आपने वो ट्रैकल करते हुए जैसे ही वो ट्रैकल करेगा उस तरह की वॉइस निकालना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मैं आपको करता हूँ ऑटो वॉइस करता हूँ। ये देखें, यहाँ से आप चला के चेक कर सकते हैं कि ये जो एसएन है, Hi, my name is Heidi and I would love to read the script for your video. So sit back, relax and I'll do all the hard. तो आपने यहाँ से अपने वो नेम चेंज भी कर सकते हैं कि जैसे मुझे यूनाइटेड किंगडम का कोई चाहिए स्टाइल, मीन के इंग्लिश का है, तो हमारी जो वेबसाइट है वो यूनाइटेड किंगडम में है, तो वहाँ से अपने हैरी का ले लेना है या किसी का भी ले लेना है।
Hi, my name is Harry and I would love to read the script for your video. So sit back, relax and I'll do all the hard work for you. Hi, my name is Harry and I... क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपको फीचर अवेलेबल नहीं होते, जैसे ही आपने वो मीन के पेड लेते हैं तो आपको फीचर्स ये अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज ले जाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये देख लिखा हुआ है कि प्लीज़ ऑटो वॉइस इज ओनली अवेलेबल फॉर पेड सब्सक्राइब, इफ यू आर यूजिंग फ्री ट्रायल प्लीज चूज एन अदर वॉइस ऑप्शन। तो ये ऑटो वाला है जो वो जस्ट और जस्ट वो उनके लिए है जो जिन्होंने ये पेड वर्जन लिया हुआ है। तो पेड वर्जन नहीं है तो आप फिर अपनी जो रिकॉर्डेड वीडियो जो वॉइसेस हैं वो ले सकते हैं या खुद यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड के ऑप्शन पे जाके रिकॉर्ड कर लेंगे। ये देखें अभी ये रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही ये रिकॉर्डिंग होगी तो ये आपको मिल जाएगा कि किस टाइप का आपने क्या क्या करना है उसमें, क्या क्या नहीं करना। तो ये रिकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो गई है कि कितने मिनट्स की करनी है, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो ये देखें अभी अपलोडिंग, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जैसे ही ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, ये देखें यहाँ से ऑन करके चेक कर लेना, आपने रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही ये रिकॉर्डिंग होगी तो आपने ये यहाँ ये आप क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आप जो अपलोड है वॉइस ट्रैक भी कर सकते हैं कि अपनी जो फाइल है, आपका बहुत सारी ऐसी होती हैं कि यूट्यूब की या किसी की वीडियो बनाई हुई होती है तो आपको रिकॉर्डेड वॉइस मिल जाती है। कस्टमर आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई आपने मेरे इस ब्लॉग को ये कंटेंट देना है और इसके वजह से ये वॉइस लगानी है, ये मैंने डबिंग करवाई हुई है, या अपने क्लाइंट अपना जो कस्टमर है अपना उससे ये ली हुई है वॉइस, तो आपने पीछे ये लगानी है। तो यहाँ से आपने अपलोड फाइल करके तो वो फाइल जो आपको पड़ी होगी वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है और उसके पीछे खुद ब खुद भी सेट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू करने के बाद ये देखें आपने, मैंने अभी को तक कोई वॉइस भी अपलोड नहीं की, तो जैसे ही आप वॉइस अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो आपको ये 5 या 7 मिनट में 10 मिनट में ये ऐसा मीन के कॉपी पेस्ट, जस्ट आपने वहाँ से कंटेंट कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने इसकी थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन कर लेनी है कि जैसे आपने को क्लाइंट को अच्छा लगे। तो उसके बाद क्या होगा कि आपने ये वो वीडियो डाउनलोड करके कस्टमर को प्रोवाइड कर देनी है और जब वो कस्टमर प्रोवाइड कर देगा तो आपको आपका ऑर्डर कंप्लीट मिल जाएगा और इस तरह आप बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इस बात की समझ लग गई होगी। तो इंशाल्लाह दुआ में याद